बहुत घबराहट भी हो रही है, एकदम धक धक हो रहा है मुझे। मतलब भोपाल से भोपाल शिफ्ट होने का भी बजट नहीं था मेरे पास। मुझे मम्मी का ज्यादा डर लग रहा था कि मैं कभी घर से बाहर रही नहीं हूँ। वॉज अ वेरी अंडर कॉन्फिडेंट गर्ल। सो मेरे घर का जो फाइनेंशियल स्टेटस है, इट्स व्हाट आई एम अर्निंग अ लॉट फ्रॉम यूट्यूब गाइस, दिस इज इट, आई हैव रीच्ड, खड़ी पड़ी है बहुत ज्यादा। Hey everyone, it's Shalini. Welcome back to my YouTube channel. I really hope you guys are doing well. देख लो मुझे, जिंदा हूँ मैं। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ one of the biggest announcement on this channel. This is a life update announcement. I am moving out of my house. Yes. And we are getting our own space. और जिस सिटी में मैं जा रही हूँ, that is मुंबई। आई एम गोइंग टू मुंबई गाइज, एंड आई कॉन्ट बिलीव दिस, आई एम सेइंग दिस। मैं काफ़ी दिनों से एकदम होल्ड करके रखी हुई थी कि एक बार घर मिल जाए, एक बार यू नो डॉक्यूमेंट साइन हो जाए, एग्रीमेंट बन जाए, उसके बाद मैं आप लोग के साथ बात कर सकती हूँ, मैंशन कर सकती हूँ। एंड वो सब कुछ हो चुका है। एंड द प्लेस दैट आई हैव इन मुंबई इज सो प्रिटी, इट्स सो ब्यूटिफुल। उस प्लेस के बारे में और कैसे मैंने डिसाइड किया, क्या क्या चल रहा था बैक एंड में, वो सब हम लोग आज बात करेंगे। वाइल गेटिंग रेडी, आई एम लाइक सो नर्वस फॉर सम रीजन एंड so overwhelmed also. बहुत सारे ऐसे feelings मेरे अंदर चल रहे हैं, बहुत घबराहट भी हो रही है, एकदम धक धक हो रहा है मुझे। बट या anyway, let's just start getting ready. जो प्रोडक्ट्स मैं यूज करूंगी वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूंगी। सो ये जो मेकअप लुक मैं करूंगी ना, दिस इज इंस्पायर्ड बाय दिस लुक ऑफ आलिया, जो उनको बंगाली लुक दिया गया है फॉर द मूवी रानी और रॉकी की प्रेम कहानी, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। कहाँ से शुरू करूँ मैं, 6 साल हो चुके हैं मुझे कंटेंट बनाते हुए, आप लोगों को ये पता ही है। 2-3 साल पहले तक तो बिल्कुल मेरे माइंड में था नहीं और बजट भी नहीं था कि आई कुड जस्ट शिफ्ट आउट ऑफ दिस हाउस। मतलब भोपाल से भोपाल शिफ्ट होने का भी बजट नहीं था मेरे पास। बट लास्ट 2 ईयर्स से आई सेव्ड अप अ लॉट जस्ट सो दैट आई कैन हैव अ प्लेस ऑफ माई ओन, अ स्टूडियो ऑफ माई ओन। मैंने काफी वीडियोज में मैंशन किया था दैट आई एम प्लानिंग टू गेट अ स्टूडियो, अ पर्सनल स्पेस एंड प्लानिंग टू बिल्ड अप माई टीम। और देखो जुलाई के महीने में, विच इज रेनी सीजन, और मुंबई के रेन के बारे में अगर आपको नहीं पता तो लेट मी टेल यू, वो जो वेकअप सीट में दिखाया गया ना एकदम रोमांटिसाइज करके मुंबई को, वो है, वो एक मुंबई का साइड है। बट देयर इज आल्सो दिस साइड ऑफ मुंबई, यू नो एकदम पानी बह रहा है, हर कहीं चल रहा है, नाला भरा हुआ है, ये साइड भी देख लिया है मैंने मुंबई का। क्योंकि जब मैं हाउस हंटिंग के लिए गई थी, मैं हाउस हंटिंग के लिए 2 बार जा चुकी हूँ मुंबई, ठीक है। सो इट टुक मी 1.5 मंथ्स टू एक्चुअली फाइंड अ हाउस जिसको देख के एकदम मुझे लगे कि दिस इज इट, दिस इज द प्लेस दैट आई वॉन्ट। और जो फ्लैट मुझे मिला ना उसको देख के तो मुझे पहली नजर मिल गया था, ओके दिस इज इट, दिस इज द वन, मेरे बजट के अंदर भी था वो। एंड गेस व्हाट, आई लुक्ड इनटू प्रोबब्ली ओवर मोर देन 20 हाउसेस, उसके बाद आई सिलेक्टेड दिस वन। मेरे लिए लोकेलिटी इतनी मायने नहीं रखती थी कि कहाँ पे मैं अपना घर लूँ, आई जस्ट वॉन्टेड कि वो मेट्रो के पास हो, स्टेशन के पास हो, ऐसा कुछ मुझे चाहिए था, बेसिकली कन्वीनियंस अच्छा हो आस पास। मैंने इतने ब्रोकर से बात कर लिया ना, ऐसा लगता कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल कितनी अच्छी हो चुकी है एंड नाउ आई कैन बी अ ब्रोकर फॉर समवन एल्स, क्योंकि इतने सारे घर देख चुकी थी, बात करने का तरीका मैं समझ गई थी कि कैसे क्या ब्रोकर से बात करनी है। या आई एम रियली हैप्पी विद द प्लेस, आई कांट वेट टू शो यू, दिस इज गोइंग बी लाइक एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। एक सूटकेस लेके मैं जाने वाली हूँ मुंबई, क्योंकि वो फ्लैट इज नॉट फर्निश्ड एट ऑल, इट्स एम्प्टी फ्लैट, मॉड्यूलर किचन है। वन थिंग दैट आई लव अबाउट दिस फ्लैट, आई एम गोइंग बी द फर्स्ट टेनेंट, इट्स अनटच्ड फ्लैट, ओके, एंड एमिनिटीज भी काफ़ी अच्छी है। मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होने वाला है ये चेंज, एंड इसी का मुझे फियर भी था कि मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी, क्योंकि बजट तो चलो मेरे पास आ गया था फ्लैट लेने का, सॉरी रेंट करने का, बट फिर मुझे ऐसा था कि मैं कभी घर से बाहर रही नहीं हूँ, दिस इज़ द रियलिटी, दिस इज़ द ट्रूथ अबाउट माई लाइफ। स्कूल के बाद ना फर्दर स्टडीज़ के लिए मैं बाहर गई, ना हॉस्टल में रही हूँ, कभी ऐसे माँ बाप मुझे कहीं छोड़ के भी नहीं गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मैं 2 वीक हफ्ते के लिए कहीं बाहर गई होंगी तो गई होंगी, बट ऐसे पूरा अपना लाइफ स्टाइल एक अलग से सेट करना टू अ न्यू सिटी विच इज़ लाइक अ वास्ट सिटी, मुंबई इज़ कॉल्ड सिटी ऑफ ड्रीम्स, वहाँ जाके एक पूरा सेटअप जमाना, इट्स गोना बी अ डिफरेंट डील फॉर मी। एंड डर लग रहा है, ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा डर लग रहा है मुझे, बट मुझे पता है कि द फियर इज काइंड ऑफ ऑल्सो मोटिवेटिंग मी टू मूव आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन। देर इज अ गुड कैच, आई एम नॉट गोइंग बी स्टेइंग अलोन फॉर कपल ऑफ मंथ्स, आई एम गोइंग बी शेयरिंग माई स्पेस विद माई बेस्टी सुप्रिया, शी इज माई कॉलेज बेस्टी, उसकी शादी का वेडिंग ब्लॉग भी मैंने डाला था, इट्स 2 BHK एज आई टोल्ड यू। सो एक रूम मैं अपनी बेस्टी को दे रही हूँ सो दैट शी कैन स्टे विद मी, शी वॉज ऑलरेडी लुकिंग फॉर फ्लैट मुंबई में बट शी कुडंट फाइंड 1 BHK फॉर हर सेल्फ, एंड आई हैपन टू लाइक कॉल हर और
और देखो मतलब हम दोनों की क्या कहते हैं ना तकदीर मिल गई और वी वर लाइक कि चलो ठीक है तू ढूंढ रही है मैं भी ढूंढ रही हूँ चलो हम एक साथ लेट्स जस्ट मूव इन. सो शी हैज हर ओन रीजन कि क्यों उसको कपल ऑफ मंथ्स के लिए रहना है मेरे साथ. आई एम नॉट श्योर वेदर आई शुड शेयर दिस विद यू और नॉट. मतलब आप लोग को तो उसको व्लॉग में देखने को मिल ही जाएगा. उससे पूछ के बता दूंगी मैं आपको क्या चल रहा है क्यों शी इज मूविंग इन विद मी. गुड थिंग इज दैट आई एम नॉट गोइंग लाइक कंप्लीटली अलोन अलोन बिकॉज मेरे को तो बहुत डर लगेगा अगर मैं एकदम ही अलग रहने लग जाऊँ एकदम से जाके. सो आई अप्लाइड दिस फेस टिंट ऑन माई फेस यहाँ यहाँ पे एंड आई एम गोना बी ब्लेंडिंग इट विद माई फाउंडेशन ब्रश. सो इस फ्लैट में कुछ भी नहीं है कबर्ड्स भी नहीं है. सो कबर्ड्स से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान ये सब खरीदना पड़ेगा या फिर कुछ रेंट भी कर सकते हैं देखते हैं क्या होगा. सो हाँ उतना मैंने बजट रखा है कि आई कैन इन्वेस्ट ऑन मेकिंग दिस अपार्टमेंट होम लाइक यू नो सो दैट अगर मेरे परिवार वाले भी आते हैं तो वो भी मेरे साथ रह सकें. ऑल्सो आई कैन हैव लाइक अ स्टूडियो स्पेस इन द अपार्टमेंट इटसेल्फ स्पेशली फॉर माई लाइक सिट एंड टॉक वीडियो. सो आई एम लाइक प्लानिंग टू बिल्ड माई टीम ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो प्रोड्यूस कर सकूँ एंड दैट इज वॉट इज लैकिंग ऑन दिस चैनल प्रोड्यूसिंग मोर कॉन्टेंट मोर वीडियोज. सो वो भी मेरी प्रियोरिटी है. और इसलिए गाइज दो साल पहले वाली शालिनी तो ये बिल्कुल कर ही नहीं पाती. आई वॉज अ वेरी अंडर कॉन्फिडेंट गर्ल. अगर मेरे पास बजट भी होता ना तब तभी नहीं कर पाती. मुझे पता है मुझे ये चीज़ अपने बारे में पता है. आई थिंक आई हैव ग्रोन अ लॉट एज अ पर्सन एंड यूट्यूब हैज डेफिनेटली हेल्प्ड मी विद दिस. इसने मुझे मौका दिया है टू वर्क विद डिफरेंट पीपल टू वर्क विद डिफरेंट ब्रांड टू मीट न्यू पीपल. सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब की वजह से हो पाया है. यू नो आई एम 30 guys, I'm gonna be turning 31 soon and this is a big achievement. This is also example ki yaar 21 ho 30 ho 40 mein ho aapka achievement आपकी उम्र से रिलेट नहीं हो सकता. कभी भी कुछ भी चाहो जीवन में अचीव कर सकते हो बट वो अंदर से वो ड्राइविंग फैक्टर आना चाहिए. मुझे लग रहा है कि दिस वीडियो इज टर्निंग इनटू ज्ञान बाय शालिनी बट दिस इज ट्रू एंड आई एम अ एग्जांपल ऑफ दैट. आप लोगों ने तो देखा ही है मुझे. मैं तो बोल भी नहीं पाती थी अपने वीडियोज में प्रॉपरली. वी हैव कम अ लॉन्ग वे एंड आपको पता है आई ऑलवेज लाइक टू कीप एवरीथिंग अनफिल्टर्ड. सो जो अपार्टमेंट बिल्डिंग का ब्लॉग है वो भी मैं अनफिल्टर्ड ही रखूंगी. जैसा मुझे जिस दिन फील होगा मैं उसी प्रकार से शेयर करूंगी ताकि इफ समवन इज प्लानिंग टू move into a big city like Mumbai or a new city they can find the video to be relatable aur unko wo ek comfort provide kar sake wo video and to me as well because it's like documenting your journey. Now Mumbai is a very big city. Lakho lakho log apna career banane ke liye job ke liye Mumbai shift hote hain. Sach mein mujhe kabhi nahi laga tha ki I'm going to be that person kyunki probably main aise sapne bhi nahi dekha karti thi but अब देखो ये हो रहा है मेरे जीवन में. आई एम सो हैप्पी अबाउट इट बट अगेन मैं फिर से बोलूँगी फटी पड़ी है बहुत ज़्यादा. सो आपको पता है क्या मैंने पहले फ्लैट हंटिंग कर ली डिसाइड कर लिया दैट आई वांट टू मूव टू मुंबई. देन आई टोल्ड माय पेरेंट्स और मैंने उन दोनों को ना अलग अलग बताया क्योंकि पापा भी यहाँ है नहीं वो भुवनेश्वर में है. सो आई कॉल्ड माय फादर एंड ही आस्क्ड मी क्या आप दो हफ्तों के लिए गायब थे बेटा कहाँ गए थे मुंबई गए थे आप वहाँ शिफ्ट होना चाहते हो क्या. ही हैड अ हिंट इज माई फादर गाइज ऑब्वियसली उनको पता ही चल जाना था. सो ही आस्क्ड मी एंड आई टोल्ड हिम देन एंड देयर कि यस पापा आई एम प्लानिंग टू डू दैट एंड कंसर्न शो किया उन्होंने. ही वॉज लाइक कि इतना बड़ा शहर यू हैव नेवर बीन घर से बाहर कैसे करोगे कर लोगे क्या बहुत ज़्यादा कंसर्न थे वो. एंड मैंने उन्हें कॉन्फिडेंट दिलाया कि यू नो व्हाट पापा मैं कर लूँगी डोंट वरी यू नो मी जस्ट ट्रस्ट मी और कुछ भी होगा ना आई ऑलवेज हैव द ऑप्शन टू कम बैक होम कम बैक टू दिस प्लेस जो कि ऑलरेडी फिक्स्ड हाउस है मेरा. कुछ 30-40 मिनट तक हमारी बात चली इसके बारे में एंड ही वॉज कन्विंस्ड. ही टोल्ड मी ठीक है जाओ लिव योर लाइफ लिव योर ड्रीम आई एम विथ यू और कुछ भी होगा तो मुझे ज़रूर बताना आई एम हियर फॉर यू एंड दैट इज़ वॉट आई वॉन्ट टू हियर फ्रॉम माई डैड. और मुझे ये भी पता है कि उनको पता है कि मैं फाइनेंशियली स्टेबल हूँ इसकी वजह से मैं ये कर पा रही हूँ. अगर नहीं होती तो मुझे नहीं लगता कि वो भी मानते और मेरे अंदर तो इतना था भी नहीं गट यू नो दो साल पहले वाली शालिनी के पास कि वो ऐसा कुछ कर भी पाए. नाउ कमिंग टू मॉम ओके मॉम के बारे में बताती हूँ. पापा को बताने की दो दिन बाद मेरे मम्मी को बताया क्योंकि मुझे मम्मी का ज़्यादा डर लग रहा था कि वो समझेंगे कि नहीं मैं उन्हें बताऊँ कि नहीं और बताऊँ तो कैसे बताऊँ. एंड आई टोल्ड हर एवरीथिंग जो मेरे माइंड में था कैसे मैंने सेलेक्ट किया एंड व्हाई आई वांट टू मूव टू मुंबई. अगेन माय मॉम शोड कंसर्न कि कैसे करोगे कैसे रहोगे एंड एज लॉन्ग एज आई कीप ऑन गिविंग हर अपडेट रिगार्डिंग माई लाइफ एंड कीप ऑन कॉलिंग देम एंड मेक देम बिलीव दैट आई एम हैप्पी आई एम गुड सब कुछ सही चल रहा है या सब कुछ नहीं भी सही चल रहा है तो भी मैं उनको बताऊँ तो दैट काइंड ऑफ सपोर्ट आई नीड फ्रॉम माई पेरेंट्स एंड आई एम लाइक सो हैप्पी दैट बोथ माई पेरेंट्स आर सपोर्टिव एंड इफ दे आर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू सो मच आई लव यू बोथ
सो 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 मच. सो ऊपर वाले पोर्शन को मैंने फिक्स कर दिया, नीचे मैं काजल लगा रही हूँ. एंड यू नो व्हाट गाइस, आई हैव ऑलवेज शेयर्ड दिस रूम विद माय सिस्टर. सो व्हेन आई विल मूव आउट ऑफ दिस हाउस, माय सिस्टर इज गोना हैव दिस रूम ऑल बाय हरसेल्फ. फॉर द फर्स्ट टाइम वी विल बी हैविंग लाइक सेपरेट रूम्स. मुझे दुख भी हो रहा है, अच्छा भी लग रहा है कि चलो खुद का एक पर्सनल स्पेस होगा. या लाइक आई एम गोना मिस लाइक शेयरिंग स्पेस विद माय सिस्टर अ लॉट फॉर श्योर. एंड माई ब्रदर ऑल्सो, अभी तो वो घर पे है, कोविड के बाद वो घर आ गया था एंड तब से वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है. प्रॉब्ली ही विल ऑप्ट फॉर हाइब्रिड, व्हाटएवर जो भी उसका डिसीजन है. बट माई ब्रदर इज द ओनली पर्सन हमारे घर में जो कि स्कूल के बाद से बाहर रहा है. यू नो आईटी के लिए उसको बाहर रहना पड़ा, फिर एमबीए किया उसने, उसके लिए उसको बाहर रहना पड़ा, हॉस्टल में, कॉलेज में, डिफरेंट सिटी में. बट आई हैव नेवर बीन अवे फ्रॉम माई होम, नीदर माई सिस्टर. सो इट्स लाइक अ ह्यूज चेंज इन माई लाइफ, इन्वायरमेंट वाइज, पीपल वाइज. सो इस इंडस्ट्री वाले दोस्त तो हैं मेरे मुंबई में, साथ साथ ऐसे दोस्त भी हैं कि जो इस इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करते, मुंबई में ही हैं वो. एक तो सुप्रिया, जैसे कि मैंने आपको बताया. थोड़ा सा ना हाईलाइट कर देती हूँ मैं अंडर माय आईज, क्योंकि काजल अप्लाई किया मैंने, इसलिए मैंने यहाँ पे सेट भी नहीं किया था अपने फेस को, और यहाँ टीज़ोन पे भी हल्का सा. और हाँ, एक और चीज़ के बारे में, आई एम वेरी वेरी प्रिविलेज्ड एंड आई डू वांट टू लाइक टॉक अबाउट इट, इज दैट फाइनेंशियल स्टेटस. सो मेरे घर का जो फाइनेंशियल स्टेटस है, इट्स नॉट कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन माई अर्निंग्स. इस घर में कमाने वाले अभी तीन लोग हैं, मेरा भाई, मैं और मेरी बहन. सो वी डू कंट्रीब्यूट टू द हाउस एंड माई फादर, ही इज इन रिटायर्ड IFS ऑफिसर, सो उनका पेंशन भी है. सो अभी घर की हालत अच्छी है, यू नो फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा है. तो दैट ऑल्सो वॉज लाइक अ ड्रिवन फोर्स फॉर मी कि you know what, I can like get a house like this, I can get a flat like this. Whatever I will be earning there also, I'm going to be investing that to our channel, to build this channel, to make this channel bigger and better. So yes, abhi aur bahut sara paisa lagne wala hai. So please subscribe kar do channel ko agar aapne nahi kiya hai, aur ad bilkul skip mat karna apse meri videos mein, because I need money guys. Matlab reality to yehi hai, you know this. Matlab main bilkul aisa show nahi kar rahi hu ki you know what, I'm earning a lot from YouTube guys, this is it, I've reached. अब तो rent pay करना पड़ेगा, सामान खरीदना पड़ेगा flat के लिए, studio setup करना पड़ेगा. I've उसको fill तो कर दिया, set भी कर रही हूँ मैं अच्छे से. अब मुझे पता है कि मैं अपनी family से दूर नहीं रह सकती, I'm gonna miss them a lot. मैं यू नो महीने में कोशिश करूँगी कि एक बार तो आया करूँ, और मैं डैड से मिलने भी जाऊँ भुवनेश्वर में, काफ़ी टाइम से उनसे भी नहीं मिली हूँ. एंड मेक ऑल ऑफ दिस थिंग हैपन इंस्टेड ऑफ जस्ट थिंकिंग अबाउट इट. यू नो मैं सोचते रह जाती हूँ कि मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, मैं यहाँ जाऊँगी, मैं दुनिया देखूँगी, और उसके लिए कुछ स्टेप ही नहीं ले रही हूँ. बट दिस इज़ लाइक अ बिग स्टेप दैट आई हैव टेकन एंड इट इज़ समहाउ ब्रिंगिंग लाइक डिफरेंट साइड ऑफ मी, लाइक कॉन्फिडेंट शालिनी जो कि अंडर कॉन्फिडेंट मोस्ट ऑफ द टाइम फील करती है. सो अगर मुंबई से हो देन लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. Would love to know कि मेरे कौन कौन से सब्सक्राइबर्स मुंबई से हैं या महाराष्ट्र से भी बिलोंग करते हैं. ऑल्सो इफ यू आर फ्रॉम भोपाल एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू आर सैड कि आई एम लिविंग भोपाल, डोंट वरी, ठीक है. भोपाल इज माई होम, इट्स गोना बी ऑलवेज माई होम. मैं बस कुछ समय के लिए जा रही हूँ, दिस इज अ चेंज दैट आई वॉन्ट टू सी. मुझे खुद को डिस्कवर करना है, देखना है कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कितना और इंडिपेंडेंट बन सकती हूँ, आई मीन इंडिपेंडेंटली रह के, ये मुझे डिस्कवर करना है, क्योंकि वो तो मुझे पता नहीं. अभी मैं घर पर हूँ तो सब कुछ आराम से हो जाता है मेरे लिए, सब्जी भाजी की भी टेंशन नहीं करनी पड़ती है, वो भी मम्मा देख लेती है. बट अब मैं वहाँ रहूँगी तो उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि क्या बनेगा खाने में आज, कहाँ से बनेगा, कहाँ से आएगा, व्हाटएवर. एंड आई नो कुकिंग, ठीक है, थोड़ी बहुत कुकिंग मुझे भी आती है, सो डोंट वरी अबाउट दैट. दैट वॉज माई फादर एंड माई मदर्स क्वेश्चन एज वेल. आई मीन यार पेरेंट्स कितने क्यूट होते हैं, उनका यही सवाल था कि यार क्या खाएगी तू वहाँ पे जाके, आई मीन तो खाना पीना तो ढंग से रहेगा ना तेरा. सो अभी कुछ किचन का सामान है जो कि मैं लेके जा सकती हूँ यहाँ से. उसके अलावा स्टूडियो लाइट सेटअप वगैरह, जैसे कि मैं आपको बताया फर्नीचर तो कुछ है नहीं मेरे पास, वो सब वहीं जाके मुझे लेना पड़ेगा. बट ठीक है, वो भी एक अलग सा एक्साइटमेंट है मुझे कि क्या लेना है, कैसे लेना है, कैसे हाउस को सेट करना है, क्योंकि कभी मैंने किया नहीं. ये जो फर्नीचर आप ये बेड देख रहे हो ना, ये बचपन देखती आ रही हूँ मैं, इसको कुछ 20-25 साल हो चुके हैं, आई थिंक ओल्डर देन दैट, इट्स ओल्डर देन मी गाइस, दिस बेड इज. अंडर मेरा क्रीज हो रहा था, फिर मैंने रियलाइज किया कि मैंने सेट ही नहीं किया एक्साइटमेंट में. कोई नहीं, अभी सेट कर दिया मैंने उसको. थोड़ा सा ना लिप लाइनर अच्छे से अप्लाई कर लूँ, क्योंकि लिप लाइनर अप्लाई करते करते बात नहीं करते बनेगा मुझे. एंड लिपस्टिक की बारी, जस्ट टैप टैप करके अप्लाई कर रही हूँ. थोड़ा सा ब्राउन हो गया लिपस्टिक, हिंट ऑफ पिंक चाहिए मुझे, तो मैं पिंक टोन का लिपस्टिक यूज कर रही हूँ. मैं गोरा सेट में मेकअप
एंड गोइंग टू फैन माई फेस नाउ. नागफुल भी मैं पहन रही हूँ, मुझे ना छोटे वाले नहीं मिले, बाल भी खोल लिया जाए अब. एंड दिस इज द फिनिश लुक. काफी ईजी इस लुक को क्रिएट करना, आई रियली लाइक दिस लुक. काफी सिमिलर भी है ये लुक जैसा आलिया का था. मुझे बताना आपको ये लुक कैसा लगा इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. अब जाने से पहले मैं बस आप लोग का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ. थैंक यू सो मच टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है. माई चैनल एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइज, सो थैंक यू सो मच फॉर शोइंग ऑल द लव एंड सपोर्ट. आई एम गोना बी फॉरएवर ग्रेटफुल टू यू गाइज. एंड जस्ट टू अप्रिशिएट योर लव दैट यू हैव शोन टू दिस चैनल, आई एम गोना डू अ गिव अवे जहां पे आई एम गोना बी पिकिंग अप टू विनर्स. यू जस्ट हैव टू बी सब्सक्राइबर ऑफ माई चैनल, दैट्स द ओनली रूल. छोटा क्यूट सा हैम्पर मैं आपको भेजूंगी और नेक्स्ट वीक मैं विनर अनाउंस कर दूंगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आके चेक कर लेना. एंड आई एम गोना सी यू गाइस प्रीटी सून विद अ ब्रांड न्यू कंटेंट ऑन दिस चैनल. बाय एवरीवन, टेक केयर.